नमस्कार दोस्तों, जनपद मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन की दो मंजिला इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि राजस्थान किशनगढ़ के स्टेशन की तर्ज पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर का ये नया रेलवे स्टेशन है। इस बार यात्रियों के लिए भी यहाँ पर अधिक स्पेस है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको अंदर से दिखाएंगे कि किस तरह का अंदर से स्टेशन है, और आप अगर साइड में से मैं आपको दिखाऊं तो ये साइड में आप देख सकते हैं कि स्टेशन का कितना अच्छा इस बार लुक है। बस थोड़ा सा साज सज्जा का इसका काम शेष रह चुका है, आप इधर से भी देख सकते हैं। ये स्टेशन है मुजफ्फरनगर का, और ये मैं आपको दिखाऊं, ये प्लेट नेम प्लेट पर भी आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर। ऊपर इसके लिखा हुआ है उत्तर रेलवे मुजफ्फरनगर, एक तरफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। हम अंदर से भी आपको दिखाते हैं। इस स्टेशन को बनाने के लिए एक मंदिर को भी यहाँ से शिफ्ट किया गया है, आप अंदर से देख सकते हैं कि किस तरह का ये रेलवे स्टेशन की इमारत है। इधर आप साइड में देख सकते हैं कि इधर टिकट घर खिड़की है, तो इस बार यात्रियों के लिए भी यहाँ पर अधिक स्पेस है। आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर का ये स्टेशन है, ये न्यू इमारत है। तो इधर आप साइड में देख सकते हैं कि इधर आरक्षण कार्यालय है, और इधर ये इंक्वायरी सेंटर है। तो दोस्तों, इस इमारत के साथ साथ में यहाँ पर एक नया प्लेटफार्म भी बनाया गया है, तो मैं आपको प्लेटफार्म भी दिखाऊंगा। ब्रिज भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि इस बार बड़ा ही चौड़ा बनाया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुराना प्लेटफार्म है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो साज सज्जा का काम है वो फिलहाल चल रहा है। तो ये स्टेशन है मुजफ्फरनगर का, स्टेशन पर जो नया प्लेटफार्म बनाया गया है उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब से पहले यहाँ पर दो प्लेटफार्म थे जहाँ पर सिर्फ तीन ही ट्रेन रुक सकती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर एक प्लेटफार्म और बनाया गया है, जिसके साथ अब यहाँ पर 5 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन है, और दूसरी तरफ इस बार यहाँ पर काम चल रहा है। जहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा है, इस जो इमारत है यहाँ की, जो साज सज्जा है प्लेटफार्म बनाने के लिए, 10 करोड़ रुपए का बजट सेंशन हुआ था, जिसके आधार पर यहाँ पर काम चल रहा है। नया प्लेटफार्म कौन सा बनाया, परे वाला बना दी क्या? चल तो चल ले। तो हम अब ब्रिज से होते हुए हम जो नया प्लेटफार्म बना है उधर की साइड में, वहाँ पर चलते हैं। तो ये देखिए आप, देख सकते हैं मुजफ्फरनगर स्टेशन पर जो है, ये है, ये बहुत ही इस बार जो है चौड़ा बनाया गया है, और यात्रियों की जो है सुविधा का ख्याल रखा गया है इस बार। आप देख सकते हैं ये प्लेटफार्म नंबर 2 सामने। अब हम ब्रिज से होते हुए जो नया प्लेटफार्म बना है उस पर भी चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रेलवे सुरक्षा बल की जो बैरिक है मुजफ्फरनगर की, वो सामने है, RPF बैरिक। ब्रिज है ये, आप देख सकते हैं इस बार ये बड़ा ही चौड़ा करके बनाया गया है, खासकर यात्रियों के लिए उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा, और फिर यहाँ से होते हुए हम सीधा जो नया प्लेटफार्म बनाया है उस पर चलेंगे। बस आपको थोड़ी यहाँ कमी भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि अभी कुछ साज सज्जा का कुछ काम रुका हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सामने देख सकते हैं कि वो जो इमारत है, दो मंजिला इमारत, वो किस तरह से वहाँ पर भी काम चल रहा है कुछ। तो ये ब्रिज से ऊपर का जो नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं।
और वहाँ से माल उतरता है, फिर यहाँ से शहर में जाता है जहाँ भी कहीं जाना होता है। तो ये मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन है। अभी जो है वक्त हो चुका है 12:58, करीबन 1 बज गया है। तो स्टेशन अभी थोड़ा खाली खाली सा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन सुबह और शाम के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। ये दूसरा ब्रिज है जिससे हम ऊपर चढ़ करके आपको कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे कि किस तरह से ये देखने में लगता है, क्योंकि इधर इस पर जाल नहीं लगा हुआ है। आप साइड से देख सकते हैं कि ये दूर से जो स्टेशन है मुजफ्फरनगर का देखने में कैसा लगता है, और वो सामने आप वहाँ पे देख सकते हैं जो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर किशनगढ़ की तर्ज पर जो इमारत बनाई गई है वो दूर से देखने में कैसी लगती है। ये मुजफ्फरनगर का स्टेशन है। अभी इधर आप देख सकते हैं कि कुछ काम चल रहा है, जो कुछ काम बाकी है। इधर साइड में भी ब्रिज बनना है पर, और इधर भी आप देख सकते हैं कि काम अभी भी चल रहा है। ऐसी उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक ये सब काम कम्प्लीट हो जाएगा। और ये इधर नई मंडी क्षेत्र है, स्टेशन की राइट तरफ देख सकते हैं यहाँ से किस तरह का ये नज़ारा आता है। तो दोस्तों ये था मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन। मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। यदि इस वीडियो को आप हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। ये मुजफ्फरनगर का रेलवे स्टेशन, और इस समय हम एक ब्रिज पर खड़े हैं जो कि नया ही बनकर तैयार हुआ है। इधर आप साइड में देख सकते हैं कि काम चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।